अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम रियलिटी शो तमाशा के विनर उमर आलम की बात करेंगे। उमर आलम असल में कौन हैं, इन्होंने कितनी तालीम हासिल की है और ये किन नामवर ड्रामों में काम कर चुके हैं, टैलेंटेड होने के बावजूद आज तक इन्हें क्यों इतनी मकबूलियत नहीं मिल सकी। दर रियलिटी शो तमाशा की कंटेस्टेंट मरीहा सफदर का इनके साथ क्या रिश्ता है, अदाकारा सजल अली उमर आलम की क्यों दीवानी है, यह हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रियलिटी शो तमाशा का अहतमाम हो चुका है, जिसका फैंस बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे कि आखिर कौन बनेगा इस सीजन का विनर। और आवाम की तौकात के मुताबिक उमर आलम जिन्हें इस शो से बेहद मकबूलियत मिली वही इस शो के विनर बने हैं। उमर को पूरे शो में आवाम की जानिब से बेहद पसंद किया गया, यहाँ तक कि इस शो में एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्हें इस शो से एलिमिनेट कर दिया गया, मगर फैंस के बेहद सपोर्ट पर इन्हें दोबारा से इस शो में आने का मौका मिला। दोस्तों, उमर आलम के लिए ये शो जीतना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि रऊफ लाला और आदि अदील अमजद जैसे सीनियर लोगों को टक्कर देना कोई आसान बात नहीं थी। रियलिटी शो के विनर बनने के बाद उमर आलम के फैंस इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि ये असल में कौन है और क्या करते हैं। दोस्तों, आपको ये बात जानकर जरूर हैरानगी होगी कि उमर का ताल्लुक किसी एलीट क्लास फैमिली से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो सियालकोट के गांव कोटली से ताल्लुक रखते हैं। उमर के हिस्से मजाक की वजह से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो पंजाबी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, उमर आलम ने किसी हाई स्टैंडर्ड स्कूल और कॉलेज से तालीम हासिल नहीं की, बल्कि इन्होंने साल 2005 में सियालकोट के गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। अपनी फनी तबीयत की वजह से वो कॉमेडियन बनना चाहते थे, जिसके लिए वो कॉलेज में तमाम थिएटर परफॉर्मेंस में भी हिस्सा लिया करते थे। उमर कॉलेज में कई मुकाबले भी जीत चुके हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने लाहौर थिएटर का रुख किया, जिसके उस्ताद अनवर मकसूद हुआ करते थे, जहां से इन्होंने 5 साल तक थिएटर का कोर्स भी किया है। और अनवर मकसूद ने इन्हें ये दुआ दी थी कि उमर तुम एक दिन बहुत ज्यादा कामयाब होगे। और तमाशा शो के विनर बनने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि उमर आने वाले सालों में पाकिस्तान के सुपर स्टार बन जाएंगे। दोस्तों, इन्होंने शो का विनर बनकर लोगों के दिलों को जीत लिया है और किस्मत की देवी इन पर बहुत ज्यादा मेहरबान हो चुकी है। दूसरी जानिब उमर आलम ने साल 2012 में ही अपने शोबिज कैरियर का आगाज किया, मगर 10 साल तक इंडस्ट्री में लगातार मेहनत करने के बावजूद इन्हें आज तक किसी भी चैनल पर लीडिंग किरदार अदा करने को नहीं दिया गया था, बल्कि इन्हें हमेशा ही अंडररेट रखा गया। हालांकि इनमें हीरो बनने की तमाम क्वालिटीज मौजूद है, मगर अब ARY डिजिटल ने ये ऐलान किया है कि वो उमर आलम को एक मेगा ड्रामा सीरियल में लीडिंग किरदार अदा करने को देंगे, जो यकीनन इनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, दूसरी जानिब अगर इनके ड्रामा कैरियर की बात करें तो इनका पहला ड्रामा सीरियल सिलसिले था, जिसमें इन्होंने जुनेद खान, हिबा बुखारी और मोमल शेख के साथ काम किया। इनका दूसरा ड्रामा सीरियल पहली सी मोहब्बत था, जिसमें इन्होंने शहरियार मुनव्वर और माया अली के हमरा मरकजी किरदार अदा किया। उमर आलम को ड्रामा सीरियल तन्हाई, बेरुही, खास, मेरी शादी करवा और नेहर जैसे कामयाब ड्रामों में देखा गया। ड्रामों के अलावा उमर आलम 2 फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। इनकी पहली फिल्म पर्ची थी, जिसमें इन्होंने मोबाइल स्नैचर का किरदार अदा किया, जबकि इनकी दूसरी फिल्म छलावा थी, जिसमें इन्होंने एक ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम किया। दोस्तों, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि अदाकारा सजल अली भी इनकी बहुत बड़ी फैन है, जिसका इजहार खुद उमर आलम ने किया। इन्होंने बताया कि सजल अक्सर मुझे कहा करती थी कि मेरी अहद रजा मीर के साथ शक्ल सूरत और स्टाइल बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, जो मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है। दोस्तों, उमर आलम और मरीहा सफदर दोनों तमाशा शो के फाइनलिस्ट थे, मगर दोनों की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया। कुछ लोगों ने तो इन्हें शादी करने का मशवरा तक दे दिया था, मगर हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। उमर आलम की नामवर अदाकारा के साथ मंगनी हो चुकी है और वो जल्द ही शादी करने वाले हैं, जबकि मरीहा सफदर ने तुर्की के लड़के अलास वोकची के साथ शादी कर रखी है। तो इस लिहाज से उमर और मरीहा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस हवाले से मरीहा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके बताया है कि इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा अच्छी है, जो कुछ लोगों के चाहने के बावजूद भी नहीं टूट सकती। दोस्तों, अगर उमर आलम की फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली में से किसी का ताल्लुक भी शोबिज इंडस्ट्री से नहीं है। इनकी वालदा घरेलू खातून है, जबकि इनके वालिद मामूली से कारोबारी आदमी है। उमर आलम ने अपनी कामयाबी का सेहरा अपनी वालदा को दिया है। तो उमर आलम की इंडस्ट्री में बहुत जान पहचान है। इन्होंने सबूर अली, अरीबा हबीब और अदाकारा मिनाल खान, इन
तीनों की शादियों को अटेंड भी किया है और तीनों अदाकाराओं ने इस शो को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया है। यहाँ तक के लेजेंडरी क्रिकेटर वसीम अकरम भी इनके बहुत बड़े फैन हैं, जिसका इजहार इन्होंने शो के दौरान किया। दोस्तों, उमर आलम को शो जीतने पर 25 लाख रुपए का इनाम दिया गया, जबकि इन्हें इस शो में एक हफ्ते का मुआवजा तकरीबन 2 लाख के लगभग दिया गया था और कुल मिलाकर उमर ने इस शो से 40 से 45 लाख रुपए कमाए हैं। दूसरी जानिब अगर इनकी उम्र की बात करें तो इनकी उम्र 37 साल के लगभग है, मगर अपनी फिजीक की वजह से ये बहुत ज्यादा छोटे लगते हैं। खवातीन हज़रात, आपको आपके पसंदीदा कंटेस्टेंट उमर आलम के बारे में जानकर कैसा लगा? कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार करें। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।